ओम शांति। संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार से मनुष्य की आत्मा अशांत होती है, अनेक प्रकार से परेशानियां जीवन के अंदर आती हैं। इस प्रकार अनेक दर्द भी जीवन के अंदर आते हैं, तो ये दुख, दर्द, अशांति और जीवन की ये परेशानियां, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा करती हैं और मनुष्य उसमें उलझता जाता है। और आखिर मनुष्य सोचता है कि मैं क्या करूं जो मैं अपनी इन सभी उलझनों से बाहर निकलूं। उसके लिए वो नाना प्रकार के यत्न करता है, अनेकों का सहारा भी लेता है, अनेक साधनों का भी सहारा लेता है, अनेक व्यक्तियों का भी सहारा लेता है, स्वयं भी जितनी उससे मेहनत पहुंचती है वह मेहनत करता है, परंतु परेशानियों का एक ऐसा रूप उसके सामने जब आता है कि जब उसे कोई भी मदद नहीं करता, उसकी परेशानी को कोई भी सुलझा नहीं पाता, तब वो तंग होता है, अर्थात अपने जीवन से वो तंग हो जाता है। तो ये तंग होना क्या है? हम हर घर घर के अंदर ये तंग होने का शब्द बार बार सुनते रहते हैं। माँ बच्चों के लिए फरियाद करती है कि मेरे ये दो बच्चे तो बड़े शांत हैं, लेकिन मेरा ये जो एक बच्चा है ना, वो बड़ा शैतान है, मुझे बड़ा तंग करता है। कहीं पति पत्नी की फरियाद करती है, कहीं पति पत्नी की फरियाद करते हैं कि हमें इनके इस स्वभाव से बहुत परेशानी में रहना पड़ता है, हम बहुत तंग होते हैं, या तो उसके ईर्ष्या के स्वभाव से, या उसके अभिमान के स्वभाव से, या उसके क्रोध के स्वभाव से, या फिर उसके अधिक बोलने के स्वभाव से, टॉर्चर करने के स्वभाव से, या फिर उनकी वैर लेने की वृत्ति, बदला लेने की भावना, हरेक के प्रति नेगेटिव सोचना, हरेक से कोई ना कोई नुक्स निकालना, अवगुण निकालना, उनके प्रति गलत सोचना, गलत अनुमान करना, और अनुमान करते हुए गलत अपने मन के अंदर एक दुख और दर्द की दुनिया को पैदा करना। इस प्रकार से हम संसार में देखते हैं तो मनुष्य आत्माएं कदम कदम पर इतनी तंग होती है कि आखिर वो सोचती है कि इससे तो मैं अपने इस शरीर का, इस देह का मैं त्याग करूं। तो आज हम सोचेंगे कि ये तंग होने से हम स्वयं को मुक्त कैसे करें, तंग होने का कारण क्या है, तंग होने वाले या तंग करने वाले तंग क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, और फिर उसका निवारण क्या है। तो मीठे मीठे शिव बाबा, जो कि सत्य गीता ज्ञान दाता हैं, उन्होंने सत्य ज्ञान देते हुए कर्मों की कई प्रकार की गतियां समझाई हैं, जिसमें कनिष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्म और हमारे साधारण कर्म, जो हमारे दैनिक दिनचर्या के जो कर्म हैं,
जिसमें हमारे कोई विकर्म नहीं बनते, जिसमें कोई अच्छा या बुरा यह बात नहीं होती, क्योंकि वह कुछ हमारे कुदरती नियम के अनुरूप हमारे कर्म होते हैं। परंतु यदि उन कर्मों के अंदर भी जो कर्मों के कायदे, नियम और मर्यादाएं बनी हुई हैं, अगर उन साधारण कर्मों के अंदर भी या उन कुदरती कर्मों के अंदर भी उसका यदि पालन नहीं किया, तो वो साधारण कर्म भी तंग करने वाला ही बन जाता है। फिर कनिष्ठ कर्म, वह तो उनसे भी बढ़कर है। अब ये कनिष्ठ कर्म, तंग करने वाले कर्म, परेशान करने वाले कर्म, दुखी करने वाले कर्म, दुख देने वाले कर्म, दुख उठाने वाले कर्म, इन सभी कर्मों से हम मुक्ति पाना चाहते हैं। हम अपने इन स्वभाव और संस्कार, जिन स्वभाव और संस्कार के वशीभूत ये कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं, और ये कर्म यदि स्व तक सीमित है तब तो कोई बात नहीं, भाई स्व ही स्व ने सोचा, स्व ने स्व के प्रति कर्म किया और उस कर्म का फल वो स्वतः ही भोगता रहे। परंतु हमारे कर्मों का संबंध अन्य व्यक्तियों के साथ आता है। जब हम अन्य व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे ब्लड कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, चाहे भावनात्मक संबंधों से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी भी क्षेत्र के जो भी कर्म हैं उन कर्मों से जुड़े हुए हैं, मतलब किसी न किसी प्रकार से कहां हम यदि किसी से जुड़े हुए हैं, तो हमें अपने कर्मों के अंदर, हमें अपने स्वभाव का, संस्कार का, अपनी आदतों का अवश्य ही ध्यान रखना पड़ता है। और जहां हमारे साथी, स्नेही, सहयोगी या जो भी हमारे कर्मों के साथ जुड़ी हुई व्यक्तियां हैं, उनको परेशानी न हो, वो हमारे स्वभाव, संस्कार और कर्मों से तंग न हो, इसका हमें ज्ञान होना भी आवश्यक है। और ज्ञान के साथ साथ हमें उनके कारणों का भी पता होना चाहिए, और कारण के साथ साथ निवारण का भी पता होना चाहिए, तब जाकर के हम उन व्यक्तियों के साथ अपना परिवर्तन कर सकें। लेकिन सिर्फ ज्ञान, सिर्फ कर्मों का ज्ञान इतना ही काफी नहीं, लेकिन उसके परिवर्तन के लिए, अर्थात जो स्वभाव, संस्कार तंग करने का, दुख देने का, अशांति फैलाने का, या फिर किसी भी प्रकार से समस्या को पैदा करने का जो स्वभाव और संस्कार है, उसके परिवर्तन के लिए समझ के साथ फिर शक्ति भी चाहिए। हम देखते हैं घर में छोटी छोटी बातों पर एक दो से तंग होते हैं। अगर हमने समझा हमारा नेचर, परंतु सामने वाली व्यक्ति यदि हमारे स्वभाव को यथार्थ समझती नहीं है कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या पसंद नहीं है, यदि वो मेरी पसंदगी के अनुरूप कर्म नहीं करती या मेरी पसंदगी के स्वभाव के साथ वो अपने को मैच करके नहीं चलती, मिला करके या मिल करके वह व्यक्ति नहीं चलती, तो हम तंग हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि मेरी जो इच्छा है और वह इच्छा अच्छी है, शुभ है, श्रेष्ठ भी है, नुकसान और हानि पहुंचाने वाली भी नहीं है, परंतु मेरी वह इच्छा सामने वाली व्यक्ति या साथी, स्नेही व्यक्ति के द्वारा
वो इच्छा को पूर्ण नहीं किया जाता है। जो सहज पूर्ण हो सकती है, जिसमें न तन लगाना पड़ता है, न मन लगाना पड़ता है, न धन लगाना पड़ता है, यदि वो इच्छा भी पूर्ण नहीं की जाती है तो भी इंसान बड़ा तंग होता है। अब सारे जीवन, सारे दिन की यदि दिनचर्या में हम देखें तो सवेरे उठने से लेकर के हम जो भी सदस्य साथ में रहते हैं, हम सभी सदस्यों के अपने अपने स्वभाव हैं, अपने अपने संस्कार हैं, अपनी अपनी आदतें हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी आशाएं हैं, और अपनी अपनी इच्छाओं को और आशाओं को पूर्ण करने की हर एक को एक दो से अपेक्षा है। हर कोई एक दो से ये चाहता है कि मैं जो चाहूं वैसा वो करे। अब हर एक ये चाहे कि मैं जो चाहूं वही हो। अगर कोई झुकने को तैयार न हो, सभी समझे कि ये झुके मैं न झुकूं, सामने वाली व्यक्ति भी यही सोचे कि ये झुके मैं न झुकूं, ये मेरी इच्छा पूर्ण करे पर मैं मेरी रीति से चलूं, तो आप समझ सकते हो, अनुभवी भी हो, कि यदि सभी अपनी ही जिद पर आकर के हम यदि जिए तो क्या हमारे जीवन के अंदर शांति, प्रेम, आनंद, एकता ये सब आ सकता है? उस घर के अंदर रहने को मन करेगा क्या? उस घर में इंसान को एक विश्राम के लिए लौटने की इच्छा होगी? या फिर उस घर में रहने वाली व्यक्ति जिनके साथ उनका बहुत करीबी स्नेह का, भावनात्मक या खून का संबंध है, फिर भी अनुभवी हो, समझते हो कि इतने समीप के संबंधी होने के बावजूद भी क्या चाहते हैं कि घर में जाने से ये परेशानी, वो परेशानी, ऐसी बात सामने आएगी, वैसी बात सामने आएगी, इससे तो घर में जल्दी न जाना अच्छा। ठीक इसी प्रकार घर की वह व्यक्ति भी ऐसा ही सोचती कि वो घर में व्यक्ति आएगी तो उसके आने से इस बात की परेशानी, उस बात की परेशानी, ऐसे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे, ये कहेंगे, वैसे कहेंगे। हम साधारण बातों को देखें। मुझे याद है हमारे लौकिक पिताजी, उनके स्वभाव के अंदर एक ऐसी विशेषता थी कि घर में जब वो प्रवेश करे तो घर के अंदर पूरी स्वच्छता चाहिए, घर के अंदर हर चीज उनके स्थान पर होनी चाहिए, यहाँ तक कि घर के अंदर सभी बच्चे भी हाजिर होने चाहिए, माँ भी हमारी व्यवस्थित तैयार होकर के और अपने कार्यों से निपट करके फ्री होके, और जैसे कि घर के अंदर एक सजे हुए घर के साथ एक शोभा बन करके और स्वागत करने के लिए तैयार होनी चाहिए। और ऐसा प्रत्येक पुरुष चाहता है कि मैं जब थका हारा घर में पहुंचूं तो पत्नी मुस्कुराते हुए मेरा सम्मान करे, स्वागत करे। यदि वो थका हुआ है, हारा हुआ है, ऑफिस से तंग हुआ है, यदि वो वहां से परेशान होकर के घर आता है, और यदि घर के अंदर न वायुमंडल हो, न वातावरण हो, घर में आते हैं तो देखें तो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं,
अभी तो घर में पांव रखा ना रखा, और पत्नी की फरियादें शुरू हो जाती हैं, बच्चे भी लड़ते लड़ते पिता से न्याय की फरियाद करते हैं, और किसी भी प्रकार से घर में कोई स्वच्छता नहीं, आनंद नहीं, उत्साह नहीं, उमंग नहीं, लड़ना झगड़ना, परेशानी, समस्या, प्रश्न। तो आप ही बताइए, आप ही सोचिए, क्या ऐसे घर के अंदर कोई सदस्य रहना चाहेगा? जवाब में ना ही होगा, परंतु हमारे सदस्य हैं, अपने हैं, अपनों से हम दूर नहीं जा सकते, ना हमें अपनों से दूर जाना होता है और ना जाना चाहिए। हमें अपनों के साथ रहना है, अपनों के बीच रहना है, परंतु हम अपनों के साथ कैसे रहना चाहते हैं? बड़ी खुशी के साथ रहना चाहते हैं, बड़े आनंद के साथ रहना चाहते हैं, उमंग से रहना चाहते हैं, उत्साह के साथ रहना चाहते हैं। भले हमारे पास ऊंचे ऊंचे साधन न हो, भले हमारे पास भोजन में 36 प्रकार के पकवान या व्यंजन न हो, भले हमारे घर की शोभा का जो भी फर्नीचर है वो कोई इतना ऊंचा न हो, भले हमारे पास घर में सादगी हो, हम इतने ऊंचे कपड़े भी ना पहनते हों, लेकिन घर में हमें क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए, आनंद चाहिए, उत्साह चाहिए, प्रेम चाहिए, हर एक के चेहरे पर खुशी चाहिए, तंग चेहरा नहीं चाहिए, प्रश्नार्थ वाला चेहरा नहीं चाहिए, परेशानी वाला चेहरा नहीं चाहिए, दुखी चेहरा नहीं चाहिए, उदास चेहरा नहीं चाहिए, अशांति नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सभी चाहते हैं कि हम तंग ना हो, ना हम व्यक्ति से तंग हो, ना हम वातावरण से तंग हो, अर्थात व्यक्ति का भी स्वभाव संस्कार ऐसा हो जो वो हमें तंग न करें, हम उनसे परेशान न हो। हम घर पहुंचते हैं तो वातावरण और वायुमंडल भी परेशान करने वाला न हो, शांति का और आनंद का हो। हम व्यक्तियों को देखें तो हमारी दृष्टि, हमारी नजर जिस पर भी पड़े उसके चेहरे पर प्रसन्नता छाई हुई हो, वो हर्षित मुख हो। तो हम कितने भी थके हुए हारे हुए घर में प्रवेश करेंगे या वो व्यक्ति घर में प्रवेश करेगी, तो वो सभी को देख करके उस वातावरण के प्रभाव में, उस वायुमंडल के प्रभाव में, उन सदस्यों की प्रसन्नता के प्रभाव में वह अपना दुख भूलेगी, वह अपनी थकावट भूलेगी, वह अपनी बाहर से जो परेशानियां लाई हैं उन परेशानियों को भूलकर वह प्रसन्न होकर उत्साह और उमंग में जितनी भी नकारात्मकता को ला करके वो उदास होकर के हार कर थक कर जो आया है वो उसको भुला कर और एक ऐसे उत्साह में अपने अंदर एक शक्ति को महसूस करता है, आनंदित हो उठता है और सकारात्मक सोचने से मजबूर हो जाता है। वह घर का वातावरण, वह व्यक्तियों की प्रसन्नता, वो वायुमंडल के अंदर एक शांति, वह उसको सकारात्मक विचार करने से मजबूर करती है और वह अपने परिवार के प्रति उत्साहित रहता है, उत्साहित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से
जब वो उत्साह और उमंग में अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करता है तो वह चाहता है कि मैं इनकी हर इच्छाओं को पूर्ण करूं। माता पिता सदैव इस ही आशा के साथ अपने कर्म धर्म और फर्ज को निभाते आते हैं कि बच्चों की जो भी इच्छा हो या हमारे जो भाई बहन हैं या साथ में रहने वाले माता पिता सास ससुर के परिवार के जो भी सदस्य हैं, हम उनको सुख पहुंचाएं, हम उनको शांति पहुंचाएं, तो वो उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरी करने के यत्न में लगे हुए रहते हैं। सारा दिन माँ सुबह से लेकर के बच्चों के पीछे और अपने परिवार के सदस्यों के पीछे लगी रहती है कि उनको क्या खाना अच्छा लगता है, क्या पीना अच्छा लगता है, क्या पहनना अच्छा लगता है, किस प्रकार की बातें अच्छी लगती है, कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती, कौन सी आदत किसकी अच्छी लगती है, कौन सी आदत किसकी नहीं अच्छी लगती है। वो कंटिन्यूड इन बातों पर सोचती रहती है, यत्न करती रहती है, यत्न में असफलता सफलता नहीं मिलती तो साथी के साथ राय सलाह करके और वो सफलता को प्राप्त करने के लिए भी अंदर में यत्न से अपने को लगन में मगन करती रहती है और वो हरेक की इच्छा पूरी करती है। हम कई घरों के अंदर देखते हैं कि भोजन के ऊपर भी हरेक अपनी अपनी पसंदगी की सब्जी खाना चाहता है, अलग अलग सब्जी और फिर अलग अलग स्वाद। यदि एक ही सब्जी हो तो भी उसमें अलग अलग स्वाद हरेक को चाहिए। कोई को तीखा चाहिए, कोई को मीठा चाहिए, कोई को खट्टा चाहिए, कोई को खट्टा मीठा चाहिए, कोई को फीका चाहिए, कोई को नमक कम चाहिए, कोई को नमक ज्यादा चाहिए। लेकिन हम देखते हैं एक कुशल गृहिणी, एक कुशल माता, एक कुशल नारी वो क्या करती है, वो सर्व को संतुष्ट करने के यत्न में सफल होती है और अपने पूरे परिवार को सफलता के साथ संभाल लेती है, संभालते हुए उनकी आदतों का भी परिवर्तन करती जाती है, उनके स्वभाव संस्कारों को भी उनको समझाते हुए उनको महसूस भी कराती जाती है, परिवर्तन करती जाती है और घर के वातावरण को भी ऐसा बना के रखती है ताकि पूरे परिवार के साथ या साथी के साथ पूरा जीवन व्यतीत करने के उत्साह और उमंग में रहें। अगर ये उत्साह उमंग टूटा इन तंग करने वाली बातों से तो जीवन जीना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर यह बातें नोट करनी है कि कहीं हमारे अंदर ऐसी छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे स्वभाव, छोटे छोटे संस्कार, चाहे देखने के, बोलने के, सुनने के, सुनाने के, बुलवाने के, करने के, करवाने के, अभिमान के, या फिर हमारे न बोलने के, बोलने के, बार बार बोलने के, करने के, न करने के, आलस्य के, अलबेलेपन के, कितनी गिनती करा के, कितने कर्मों की गिनती कराऊं, तो हम अपने उन कर्मों की चेकिंग करें, हम उन कर्मों को नोट करें। यदि हम स्वयं संतुष्ट जीवन खुशी उत्साह उमंग से जीना चाहते हैं तो हम इन बातों को नोट करें, अपना परिवर्तन करें और अन्य को भी उन उत्साह और उमंग में लाने के लिए उनके भी स्वभाव संस्कारों को आदतों को कुछ बर्दाश्त करें, कुछ सहन करें, कुछ समाएं, कुछ उनको समझाएं, कुछ उनको सिखाएं, कुछ उनका परिवर्तन करने का यत्न करें। इस प्रकार हम अपने परिवार को
सकुशल हम सभी मिलजुल करके साथ में रहें और संतुष्ट जीवन व्यतीत करें और किसी को न तंग करें ना हम तंग हों। हम स्वयं भी खुशी से जिए और अन्य को भी हम खुशी के साथ जीने दें और एक जीने में साथ दें और सहयोग दें, तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को परिवर्तित करेंगे। और लक्ष्य के अनुरूप याद रहे हम लक्षणों को भी धारण करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।